रदौन तहसील अंतर्गत ग्राम पाटन मणि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की स्थापना की गई। लखनदौन तहसील अंतर्गत ग्राम पाटन मणि में मां दुर्गा के 9 भव्य स्वरूपों की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य हसमुख स्वरूप प्रतिमा स्थापित है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। समिति आयोजकों द्वारा बताया गया कि जो विगत वर्ष बरहेटा नरसिंहपुर में हसमुख प्रतिमा स्थापित की गई थी, उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे द्वारा माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप प्रतिमाएँ स्थापित की गई हैं, जिसमें महाआरती और रात को प्रतिदिन जगराता कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें 5,000 से 8,000 लोगों के आने जाने का अनुमान है। 7 तारीख को दशहरे का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बुंदेलखंड से आए जेपी पटेलिया द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सभी लोगों से आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में आकर माँ के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करें। वही प्रतिमा का हमने की स्थापना 9 देवियों की स्थापना की है और अधिक से अधिक हम देश प्रदेश वासियों को आग्रह करते हैं भक्त माता के जो आएँ और दर्शन लाभ पाएँ। आपकी समिति में और कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं देवी स्थापना? हर दिन शाम को संध्या रात्रि के कार्यक्रम चलते हैं देवी जागरण के, तो उसमें भी मतलब है बहुत लोग रात में भी आरती टाइम भी कम से कम 5,000 से 8,000 लोगों की संख्या हो जाती है। ये विसर्जन कब तक है आपका? विसर्जन क्यों माता है दूसरा कार्यक्रम अपना 7 तारीख में हमारा दशहरा है, उसमें अपने बुंदेलखंड से आ रहे हैं जेपी पटेल प्रमुख हनुमान जी जो आज दुर्गा जी जो